नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं आपको आज एक ऐसी दवाई का रिव्यू देना चाहता हूँ जिसका इस्तेमाल मैंने खुद ने किया है और जिससे मुझे लाभ हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग इस रोग से पीड़ित हैं उन सभी के लिए ये एक बहुत अच्छा उपचार साबित हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, एक रोग है जिसका नाम होता है संग्रहणी, या ग्रहणी कहते हैं या संग्रहणी कहते हैं। एक्चुअल में ये जठराग्नि से संबंधित रोग होता है। जो जठर में अग्नि जलती है उस अग्नि से रिलेटेड ये रोग है, और मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ कि ये जो रोग है इसमें क्या होता है कि जब आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं तो आपके स्टूल के अंदर एक म्यूकस, जिसको चिकना पदार्थ कहते हैं, वो निकलता है, जिसकी वजह से धीरे 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 जब ये रोग बढ़ता जाता है, टाइम निकलता जाता है, आप इसको इग्नोर करते जाते हैं, तो आपके यहाँ इस जगह पेट में दर्द होना शुरू होता है, और ये दर्द पीछे तक जाता है और पीछे कमर में भी काफ़ी तेज़, इस साइड मतलब राइट हैंड साइड में आपको काफ़ी तेज़ दर्द होगा। ये मैंने सहन किया है, भुगता है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। जब ये दर्द होने लगता है तो आपको कई तरह के ख्याल आते हैं कि यार पथरी का दर्द तो नहीं है, इसका दर्द तो नहीं है, उसका तो नहीं है। तो जब आप उसको चेक कराते हैं तो पता चलता है कि आपको ग्रहणी रोग हुआ है, यानी म्यूकस ज़्यादा बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि आपका खाना जो है वो अधपचा रह जाता है, यानी जठराग्नि में जब आपने खाना डाला तो मेल्ट नहीं हो पाया पूरी तरीके से, तो म्यूकस के फॉर्म में बाहर आता है, और वो म्यूकस जो है अंदर जब सड़ने लगता है या म्यूकस ज़्यादा बनने लगता है तो ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि वो काटने लगता है, दर्द करता है अंदर से, वो एक टीस, एक चुभन पैदा करता है, तो वो एक दर्द आपको होता है, और ये दर्द आप समझ नहीं पाएंगे। आप पेट दर्द की दवाई लेंगे, कहीं कोई सी दवाई लेंगे, लेकिन आप उसके रूट कॉज तक जब तक नहीं पहुँचेंगे तब तक आप इलाज नहीं कर पाएंगे। तो इसका रूट कॉज मैंने पकड़ा, इसमें एक कुटजा रिस्ट आता है जो बहुत कड़वा होता है, उसको भी आप खाना खाने के बाद पी सकते हैं, कुछ दिन उसको लीजिए। इसके बाद में अकेले कुटजर इससे कुछ नहीं होगा, इसके साथ मैं आपको एक मेडिसिन बता रहा हूँ। ये आप देखिए, ये है चित्रकादी गुटका के नाम से आती है, और ये मैं किसी कंपनी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बता देता हूँ। ये डाबर कंपनी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये डाबर कंपनी का अपने आप में बहुत अच्छा आता है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आयुर्वेद में ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, इसलिए मैं इसके बारे में इसको रिकमेंड आपको करूँगा। चित्रकादी गुटका जो है वो एक हाजमोला जैसी गोली आती है, उस गोली को खाना खाने के बाद आप जितनी बार सुबह दोपहर शाम, सुबह नाश्ता किया तो खा ली, दोपहर में खाना खाया तो एक गोली खा ली, मतलब खाना खाने के बाद, और मुँह में चूसना है उसको जैसे हाजमोला खाते हैं, बस उसी तरह से, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका वो दर्द गायब हो जाएगा, और धीरे धीरे आपकी जठराग्नि जो है वो प्रदीप्त होने लगेगी, और जब वो ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये रोग जो है आपका धीरे धीरे दफा हो जाएगा। लेकिन इसमें समय लगता है, और आपको तुरंत ये नहीं है कि इसका तुरंत रिजल्ट, लेकिन हाँ, आप पहले दूसरे दिन से ही आपका दर्द गायब हो जाएगा। कुटजा रिस्ट पियेंगे उससे दर्द गायब हो जाएगा, लेकिन कुटजा रिस्ट ज़्यादा ना पिएँ, क्योंकि ज़्यादा पीने से आपका स्टूल जो है हार्ड हो जाता है, और फिर आपको दूसरी पाइल्स और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए उसको उतना ही मात्रा में लें जितने में आपका म्यूकस जो है वो सूख जाए, केवल ड्राई हो जाए, और ये आपकी जठराग्नि को बढ़ाएगा। जठराग्नि जब बढ़ेगी तो इसमें फ़ायदा होगा। अच्छा, अब इसमें एक घरेलू उपचार मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ताज़ा दही जो होता है उसका जो मट्ठा होता है उससे मट्ठा बनाइए, है ना, छाछ बना लो, उसमें जीरा डाल लो, उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल लो, सेंधा नमक, और उसको आप खाना खाने के बाद दोपहर में एक गिलास पियो, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है ग्रहणी रोग के अंदर। और ये रोग कई तरह से होता है, मतलब किसी को कफ की वजह से भी हो सकता है, कफ ज़्यादा बढ़ गया तो, किसी को
ये रोग जो है एसिड बढ़ने की वजह से भी हो जाता है, अम्ल पित्त ज़्यादा बढ़ जाता है उसको, उससे भी होता है, वात से भी होता है। तो ये होता तो तीनों की वजह से है, लेकिन इसका मूल कारण वो यही है कि जठरांगनी जो है वो जब कमज़ोर हो जाती है तो उसकी वजह से ये रोग जन्म लेता है। तो जठरांगनी मजबूत रहेगी तो ये रोग नहीं होगा। चूँकि हमने बचपन में या अज्ञानतावश जो गलतियाँ की होती हैं कि हम बार बार पानी पीते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, उसकी वजह से जठरांगनी कमज़ोर होते होते स्थितियाँ ऐसी निर्मित होती हैं। चूँकि मुझे ये जानकारी 3-4 साल पहले लगी कि नहीं यार पानी 1 घंटे बाद ही पीना है, तो ये जो चीज़ थी वो मुझे बहुत टाइम बाद पता चली। तो अब वो शरीर को, अब आदत तो वही थी कि पानी खाना खाने के तुरंत बाद पी लिया, तो वो एक रोग बना होगा अंदर कहीं, दवा होगा जो अब निकल रहा है किसी तरह से। तो इसलिए क्या है कि अगर आप ये नियम बना लें कि खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना है, तो आपके बहुत सारे रोग अपने आप ही दूर हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है उससे आपको कुछ सीखने मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगी। ये नॉलेज पर्पज़ से मैंने वीडियो बनाया कि आपको समझ में आए और आप लोग इस रोग की चपेट में ना आएँ। तो अपने प्रिकॉशन के साथ में आप जो है रहिए, और इस रोग में मीठा बिल्कुल वर्जित रहता है, मीठा जहाँ तक हो ना खाएँ। और दूध भी अगर जैसे मीठा आपको रात को पीना है तो उसमें मिश्री या गुड़ डालना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं। सर गर्मियाँ हैं तो मिश्री डाल लीजिए और सर्दियाँ हैं तो गुड़ डाल लीजिए, लेकिन आपको शक्कर नहीं डालनी, शक्कर से आपको परहेज रखना है। इस रोग में जितना आप मीठा कम से कम खाएंगे आपका म्यूकस उतना कम बनेगा, जठरागनी आपकी ज़्यादा जलेगी, ज़्यादा प्रदीप्त होगी और आपका पाचन जो है सही होगा। यानी सारे रोग जो हैं उनकी जड़ है डाइजेशन, जहाँ डाइजेशन गड़बड़ होना शुरू हुआ वहाँ सारे रोग आपको घेरना शुरू कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको दूसरों तक भी पहुँचाइए जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।